और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ आ गई है और जमीन खिसकने के कारण बंद हो गया है दिल्ली और देहरादून का हाईवे। बद्रीनाथ हाईवे भी 20 मीटर तक बह गया है और तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं, बारिश से जमीन खिसकी जिसकी वजह से दिल्ली देहरादून हाईवे नेशनल हाईवे जो है ये बंद हो गया है बारिश से जमीन खिसकने से, और जो वाहन जहाँ खड़े थे वो वहाँ ही खड़े हो गए हैं चूंकि आगे का रास्ता बंद हो गया है। और इसीलिए अगर आज आप दिल्ली से उत्तराखंड का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर ध्यान से देखिए और तभी अपने ट्रैफिक प्लान बनाएं। नैनीताल में बाढ़ आ गई है जिसकी वजह से लोगों को ट्रैवल प्लान बनाएं, और नैनीताल में बाढ़ आ गई है और इसीलिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहां पर, चूंकि बारिश से लोगों के घरों के अंदर पानी घुस आया है। उधर शिमला में भी तेज बारिश हो गई है, यानी कि पहाड़ी इलाकों में बारिश काफी ज्यादा हो रही है। ये तीन तस्वीरें आपने देखी, ये दिल्ली देहरादून हाईवे की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर जहां तहां वाहन खड़े हुए हैं, रास्ता चूंकि आगे बंद हो गया है। ये देखिए, ये वो रास्ता है जो बंद हुआ है चट्टान खिसकने से, जो पूरा मलबा है वो सड़क पर आ गया है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। ये कुछ पत्थर पेड़ ये सब रास्ते पर आ गए हैं। अतुल चौहान एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्या जानकारी मिल रही है, कब तक ये हाईवे साफ हो पाएगा और जो लोग फंसे हुए हैं वो आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, प्रदेश में बुधवार को जो 3 घंटे लगातार मौसमी बारिश के बाद लगभग 337 सड़कें जो हैं वो बंद हो गई हैं, दर्जनों मकान धराशायी हो गए हैं। देहरादून जिले के विकासनगर में एक वन गुज्जर की नदी में बहने से मौत हो गई है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जो है वो लगभग 20 मीटर तक बह गया है और बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा जो है वो फिलहाल रोक दी गई है। इस यात्रा में लगभग 550 तीर्थ यात्री जो हैं वो अभी फंस गए हैं। देहरादून से मसूरी जाने वाला जो संपर्क मार्ग है वो कट गया है। देहरादून सहारनपुर मार्ग जो है वो डाट काली मंदिर के पास मलबा आ गया है, वहां पर एक पहाड़ी थी जिस पर टनल बनाने का काम चल रहा था, उसके आने से बंद हो गया है। और देहरादून समेत 5 जिलों में जो 12वीं क्लास के स्कूल हैं उनमें आज छुट्टी कर दी गई है। अच्छा। इसके साथ साथ गढ़वाल मंडल के साथ साथ जो कुमाऊं में जनजीवन था वो भी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। देहरादून में 4 पिथौरागढ़ के समेत 7 और नैनीताल में 5 घर जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हरिद्वार में जो है वो गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अल्मोड़ा में हाईवे पर एक बस के ऊपर बोल्डर गिर गया है। तो कुल मिला के जो है स्थिति बहुत ज्यादा खराब इस समय चल रही है। बारिश ने जो है वो जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग का अभी ये कहना है कि अगले 24 घंटों तक इसी प्रकार से जो है वो तेज बारिश जो है वो होती रहेगी, जिसके बाद बहुत ज्यादा नुकसान होने की मौसम विभाग ने संभावना जताई है। बिल्कुल अतुल, आपने काफी कुछ बताया, लेकिन ये बताइए कि अभी भी बारिश हो रही है? देखिए, इस समय जो मैदानी इलाका है वहां पर तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जो पहाड़ी इलाका है जैसे चमोली है, बद्रीनाथ है और नैनीताल और पिथौरागढ़ की जो पहाड़ियां हैं वहां पर अभी भी रुक रुक कर बरसात हो रही है। रात भर भी वहां लगातार जो है वो बरसात होती रही है। जी, और जो वाहन फंसे हुए थे क्या वो जहां था वहीं पर फंसे हुए हैं जो दिल्ली से निकले थे? देखिए, जो दिल्ली से वाहन देहरादून के लिए निकले थे उनको वाया पौटा साहब जो है वो देहरादून की तरफ भेजा जा रहा है, और देहरादून से जो दिल्ली जाने वाले वाहन थे उनको वाया विकासनगर के थ्रू जो है वो दिल्ली की ओर रवाना किया जा रहा है, क्योंकि डाट काली मंदिर के पास में जो टनल थी उस पर अभी भी मलबा वहां पर फंसा हुआ है, तो उस रास्ते को पुलिस ने अभी फिलहाल बंद कर दिया है। और दूसरा, ऋषिकेश में वाहनों को रोक दिया गया है। ऋषिकेश से ऊपर किसी भी वाहन को बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है। जब तक मार्ग नहीं खोला जाता है तब तक वाहनों को एहतियात के तौर पर प्रशासन ने ऋषिकेश में रोक दिया है। जी अतुल, आप हालात पर नजर बनाए रखिएगा, तो उत्तराखंड के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है और दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ गई है। देहरादून और मसूरी का जो रास्ता है वो पूरी तरह से कट चुका है। बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा रुक गई है और बद्रीनाथ में तो एक सड़क बह जाने से 550 यात्री ऐसे हैं जो जहां तहां फंस गए हैं। मानसून अभी अपने शुरुआती दौर में है और ये हाल देखने को मिल रहा है। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश का कहर दिख रहा है। जम्मू से लेकर मध्य प्रदेश तक और उत्तर पूर्व से लेकर उत्तर प्रदेश तक पानी मुसीबत बनकर आया है। एक शख्स नदी की तेज धार में नदी के बीचों बीच फंसा हुआ है। आसपास खड़े लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रोहतास के चेनारी में 15,000 कांवड़िए गुप्त धाम से दर्शन कर लौट रहे थे कि इसी दौरान दुर्गावती नदी में अचानक उफान आ गया।
इसी दौरान कई कांवड़िए नदी के बीचों बीच फंस गए। तेज बहाव से बचने के लिए एक कांवड़िया नदी के अंदर पेड़ को पकड़कर बैठ गया। उसे बचाने के लिए कुछ कांवड़िए पेड़ की टहनी तोड़ने लगे। काफी मशक्कत के बाद नदी में फंसे कांवड़िए को लोगों ने बचा लिया। रोहतास जिले की ही दूसरी तस्वीर देखिए। कांवड़िए मानव श्रृंखला बनाकर नदी पार कर रहे हैं ताकि डूबने से बच सके। तीसरी तस्वीर देखिए। लकड़ी के पेड़ से बने इस खतरनाक पुल को कैसे पार कर रहे हैं कांवड़िए। अपनी जान की बाजी लगाकर नदी को पार कर रहे हैं। काफी सारे कांवड़िए पुल पार करने के लिए लाइन में भी लगे हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रीवा की हैं। इस लड़के को बहने से बचाने के लिए तीन लोगों को हाथ का सहारा देना पड़ा। ये लड़का किसी नदी या नाले में नहीं फंसा था, बल्कि ये सड़क है जो बाढ़ के पानी में उफनती नदी जैसी हो गई है। रीवा में बीते चार दिनों से जारी बारिश की वजह से सड़क और गलियां नदी में तब्दील हो गई हैं। रिहायशी इलाकों में लोग अपने घरों में ही कैद हो गए हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के ही कटनी की हैं। जिले में भारी बारिश की वजह से रेलवे अंडरपास में पानी भर गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों को निकलने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। मानसून की बारिश गर्मी से तो निजात दिलाती है, लेकिन कुछ इलाकों में इस बार ये बारिश कहर बनकर बरसी है। तो आपने देखा कि देश के कई राज्यों में बरसात की मार है, मैदान से लेकर पहाड़ तक पानी पानी है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद कई जगह भूस्खलन हुआ। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और यही वजह है कि गंगा आरती की जगह को बदलना पड़ा है। जमीन पर बारिश हो रही है तो भला पहाड़ कैसे अछूते रह सकते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की तस्वीर देखिए। देखिए कैसे पहाड़ पर हुई बारिश की वजह से पानी सड़कों पर बहकर नदी में जा रहा है। कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इसे पार करने की कोशिश कर रहे हैं। बारिश की वजह से कुछ जगहों पर रास्ते टूट गए हैं। घाटों के लिए मशहूर वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से घाटों की सीढ़ियों पर पानी बढ़ता जा रहा है। घाट पर पानी बढ़ने की वजह से गंगा आरती की जगह बदल दी गई है। बाराबंकी में घाघरा नदी पूरे उफान पर है। लगातार बारिश की वजह से नदी का पानी धीरे धीरे खेतों में घुस रहा है। नदी के किनारे कटाव शुरू हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। बाढ़ ने खेतों में लगी फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। पानी का ये रौद्र रूप हरियाणा के यमुनानगर का है। यमुना नदी पर बने हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, जो अगले कुछ घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से दिल्ली के निचले इलाकों में पानी बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। असम बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। फिलहाल यहां बारिश बंद है, लेकिन ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में उफान की वजह से गांव में लोग फंस गए हैं। नाव की मदद से उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। असम के अलावा मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी बाढ़ ने भयानक स्थिति पैदा कर दी है। आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। मॉनसून के शुरुआती दौर में ही बारिश और बाढ़ ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में लोगों को कुदरत की मार से बचाने के लिए सरकार को मुस्तैद होना पड़ेगा। तो आपने पूरे देश का हाल देखा कि किस तरह पानी की वजह से दिक्कत हो रही है। मॉनसून का हाल अब आपको बताते हैं कि मॉनसून का इस वक्त पूरे देश में क्या हाल है। देखिए, पश्चिमी एमपी के कई इलाकों में भारी बारिश का आज के लिए अनुमान है। आज भारी बारिश पश्चिमी एमपी के कई इलाकों में हो सकती है। इसके अलावा कोंकण गोवा में भारी बारिश का भी अनुमान है और ये वो इलाके आप देख रहे हैं जहां पर आज भारी बारिश हो सकती है। और आपको ये भी बता दें कि हिमाचल, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान में भी भारी बारिश का अनुमान है। आपने देखा कि उत्तराखंड में तो दिक्कत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। उत्तर पूर्वी राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। ये जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, यहाँ पर भारी बारिश का अनुमान है। तो ये मॉनसून चल रहा है और भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में दिक्कत हो गई है, बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।